हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। और मैं भी दोस्तों अपनी छत पे आई थी और सुंदर सुंदर छोटे फूल खिले हुए देखकर मेरा मन हुआ चलिए आज वीडियो बना लेते हैं। तो आज मैं किस प्लांट के बारे में वीडियो बनाऊंगी उस पर सीधे आ जाते हैं दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिनको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों कुछ मतलब ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आप ही कहीं भी गिर जाती है अगर उनकी एक टहनी, तो अपने आप ही उग जाते हैं। एक तरह से बोलें कि बेशरम पौधे होते हैं कि जिनको हम अपने गार्डन से ख़त्म करना चाहें तब भी वो हमारे गार्डन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनको ना ज़्यादा मिट्टी चाहिए, ना ज़्यादा देखभाल चाहिए, ना सनलाइट ज़्यादा चाहिए। तो कुछ ऐसे ही कम देखभाल वाले बेशरम पौधों के बारे में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले देखिए वीडियो की शुरू में मैं कितने सुंदर सुंदर फूल आपको दिखा रही हूँ, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे उन पौधों पर ही आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसी श्रृंखला में मैं आपको पहला प्लांट जो दिखा रही हूँ ये है डॉलर प्लांट। इसके कई सारे नाम हैं, इसको डॉलर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका नाम पेनीवर्ट भी है। कुछ लोग इसे लकी प्लांट बोलते हैं, घर के में लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी प्लांट है। तो इसे डॉलर प्लांट, लकी प्लांट, पेनीवर्ट किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों साल में सिर्फ 2 बार मैं इसमें कंपोस्ट देती हूँ, और इसके अलावा ना तो मैं इसकी 1 साल से मैंने कोई मिट्टी चेंज की है। इसे धूप की भी ज़रूरत नहीं है, इसे छाया में भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसकी एक ब्रांच कहीं भी टूट के अपने आप गिर जाती है तो उससे भी ये प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। इसे बास्केट में भी लगा सकते हैं, प्लांटर में भी लगा सकते हैं। तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम डॉलर की तरह। दोस्तों दूसरे नंबर पे हम टर्टल वाइन को ऐड करेंगे अपने गार्डन में। ये देखिए टर्टल वाइन जो है एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही गार्डन में ग्रीनरी को ऐड करता है, बहुत सुंदर होता है। और इसकी छोटी सी, ये देखिए कहीं भी छोटी सी ब्रांच भी, अगर 1 इंच की ब्रांच भी अगर टूट के कहीं गिर जाती है तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। और मेरे हर प्लांट में आपको टर्टल वाइन मिल जाएगी, क्योंकि मैं बास्केट में लगाती हूँ तो कई बार टूट टूट के ये गिर जाती है, नीचे जो प्लांट रखे होते हैं उन सब में ऐड हो जाती है और फिर वहीं ग्रो होना शुरू हो जाती है। इसको कोई भी कंपोस्ट, इसमें तो आप कभी भी कंपोस्ट मत दीजिए, बस एक मुट्ठी मिट्टी होगी अगर, तो उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारा ये प्लांट आता है मदर ऑफ 1000। और ये एक ऐसा प्लांट है जिससे आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि एक प्लांट जो है कम से कम 1000 प्लांट को जन्म दे सकता है। इसकी पत्ती के ऊपर जो है छोटे छोटे बेबी पप लगे होते हैं, और ये जहाँ पर भी गिर जाता है वहाँ पर अपना खुद ही निकल आता है। इसके लिए मतलब इसको मिट्टी में दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मिट्टी से टच हो गया अगर तो फिर ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये मेरे सारे प्लांटर में निकला हुआ। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है दोस्तों, कई वैरायटी आती हैं, आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। और जब ये प्लांट काफ़ी पुराना हो जाता है तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है। देखिए मैं अब दिखाती हूँ आपको, इसको बड़े प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक दही का डिब्बा है और उसके अंदर कितने सारे मतलब यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, और ये पुराना प्लांट हो गया है। और इसमें ये प्लांटर भी टूटा हुआ है तो मैंने इसको एक खाली मग के अंदर रख दिया, और उसके बाद भी ये देखिए कितने सारे प्लांट इसमें निकले हुए हैं, तो इसको भी ऐड कीजिए। और ये रहे इसके बेबी प्लांट, इस तरह से पत्ते के ऊपर ही, अगर इसका छोटा सा पत्ता भी कहीं टूट के गिर जाता है तो इस तरह से ये प्लांट तैयार होते रहते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे बेबी सनरोज की। ये देखिए बेबी सनरोज का प्लांट है, और इसकी भी छोटी सी कटिंग भी अगर कहीं पर गिर जाती है तो वो बहुत सारी जगह में अपने आप ही ग्रो होने लगती है। ये देखिए, ये आप जरा सी बस 1 इंच की कटिंग तोड़ के अगर कहीं लगा देंगे तो वो अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। और इसमें रेड कलर के फूल आते हैं, इसको भी हम बास्केट में भी लगा सकते हैं और बिग प्लांटर में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों उसके बाद मैं अगले नंबर पे ग्लाडिया को बताना चाहूँगी। ये ग्लाडिया है, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। और ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी, और ये सालों साल चलने वाला प्लांट है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस में लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ये छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, और इसके अंदर देखिए कितने अच्छे फ्लावर, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर चल रहे हैं। तो मैं छोटी छोटी मतलब मेरे पास पॉट नहीं होते हैं तो मैं कहीं भी कंटेनर में, दही के डिब्बे में और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इसी तरह से प्लांट लगाती रहती हूँ। और ये छोटे छोटे प्लांट जो हैं छोटे छोटे कंटेनर में भी बहुत अच्छे से चल सकते हैं, इनको किसी भी तरह की कंपोस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, आप इनको घर में ऐड कीजिए।
और इसके बाद दोस्तों अगले नंबर पर हम गॉम्फ्रेना लेना चाहेंगे। ये देखिए गॉम्फ्रेना के फ्लावर हैं, ये भी पूरे साल ब्लूमिंग करते हैं और इसमें नए नए ये नीचे से जब सूखने लगता है तो बीज बनने लगते हैं। जहाँ पर भी इसका बीज गिर जाता है ये अपने आप ही प्लांट पूरे गार्डन में निकलते रहते हैं। इनको आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो होते हैं। और इसके बाद देखिए ये पेंट का आधा किलो का डिब्बा कितना पुराना हो गया है और इसमें ये प्लांट मेरा चल रहा है और फूलों से पूरा भरा रहता है। ये गार्डन में बहुत अच्छे सुंदरता को ऐड करते हैं दोस्तों। इसमें ना खाद देनी है ना मिट्टी देनी है, बस जरा सी देखिए आप खुद ही देख लीजिए कितना पुराना डिब्बा है और काफ़ी अच्छा मेरा ये देखिए पूरा प्लांट जो है फूलों से भरा हुआ है। तो मेरे पास जो छोटे 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 पॉक्स पड़े होते हैं दही के डिब्बे या खाने के डिब्बे आते हैं, मैं इस तरह से प्लांट लगाती रहती हूँ। तो आप भी इन प्लांटों को ज़रूर ऐड कीजिए, ये गार्डन में बहुत ही अच्छी कलर भी कलरफुल गार्डन को बना देते हैं। अब इसके बाद हम अगले नंबर पे रियो प्लांट के को लेंगे। देखिए ये दोस्तों रियो प्लांट है और ये सिर्फ एक 7-8 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है और इसकी छोटी सी कटिंग भी हम कहीं से ले सकते हैं। और ये देखिए इसकी कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, एक निकाल के दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से एक छोटी सी कटिंग लेकर आप कहीं भी लगा देंगे तो ये पूरे गार्डन में आपके एक प्लांट से हजारों प्लांट आप बना सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं, आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और इसके इस समय विंटर में तो कलर अच्छे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये देखिए पीछे से ब्राउन कलर और ऊपर से ग्रीन कलर, जब ये इसका थोड़ा सा गर्मी के टाइम पर ये बहुत अच्छा ब्लूम करता है। तो देखिए दोस्तों इसको गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, ये जो है कलरफुल प्लांट जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं और इससे हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें भी किसी तरह की ज़्यादा मिट्टी की धूप की, ये धूप में भी चल जाता है छाया में भी चल जाता है, कई बार हम इसे धूप में ही छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा कलर में चेंज आता है और कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लगाया हुआ है दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में ये छोटे छोटे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। कम केयर वाला और बिना देखभाल वाला प्लांट ये सबसे ही अच्छा है। देखिए इससे ये पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट में बहुत छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं और इसकी भी एक कटिंग आप कहीं से भी ये देखिए यहाँ से अगर एक कटिंग लेकर आप लगा देंगे तो ये छोटी सी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और देखिए दोस्तों ये कितना छोटा प्लांट है, ये 3 इंच का प्लांट है मेरा, 3-4 इंच का प्लांटर है और उसके बाद इसकी ग्रोथ देखिए आप, पूरा भरा हुआ है मेरा प्लांटर। आप इसको बोतल में कहीं भी दही के डिब्बे में छोटे से फूड कंटेनर में किसी में भी लगा सकते हैं और इसमें फूल जो आते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो इसको भी ऐड कीजिए। इसके बाद अगले नंबर पे दोस्तों ये है वंडरिंग जू और ये तो आप सभी जानते होंगे कि कितना बास्केट में भी लगा सकते हैं, प्लांटर में भी लगा सकते हैं। और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और इसके अंदर मैंने लगाया है और कलर कितने प्यारे आ रहे हैं इसमें, ये देखिए बहुत ही प्यारा। और जब इसकी ब्रांचेज नीचे लटकती हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, इसको भी ऐड कीजिए आप। देखिए दोस्तों ये क्लांचो है अगले नंबर पे। क्लांचो ये देसी भी आता है हाइब्रिड भी आता है, मेरे पास देसी वाला है और इसके कलर वो पत्ते देखिए आप, जब इसमें फ्लावर नहीं आते हैं तब ये पत्तों से ही अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाता है और इस समय जब इसका फ्लावरिंग का टाइम है तो फिर मैं आपको दिखाई देती हूँ कि कितनी सुंदर वर्ड्स बनी हुई हैं। अब इसका फ्लावरिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है और इसमें देखिए कितनी सारी वर्ड्स आती हैं और इसके जो फ्लावर होते हैं वो 1 से 1.5 महीने तक आराम से खिले हो रहते हैं। ये देखिए खिलने शुरू हो गए हैं फ्लावर और जब इसके फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं तब ये पत्तियों से ही बहुत सुंदर लगता है, तो इसको गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए दोस्त। तो क्लांचो को तो ज़रूर ही ऐड करना चाहिए दोस्तों, अगर आपको हाइब्रिड नहीं मिल रहा है तो देसी ऐसा प्लांट है जो कभी नहीं जाता है, एक बार आप लगा लेंगे तो ये 10 साल आपके गार्डन में बना रहेगा। क्लांचो के बाद हम आएंगे कोलियस पे। कोलियस भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और ये भी इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशन बहुत अच्छे लगते हैं, इनके पत्तों के कलर से ही हमारा गार्डन बहुत सुंदर बन जाता है और इसको भी किसी भी ज़रूरत नहीं, कोई किसी भी खाद की मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप छोटी सी बोतल में छोटे से प्लांटर में इनको लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने एक बहुत ही छोटे से प्लांटर में लगा रखा है, 6 इंच का प्लांटर है, इसकी भी हम एक छोटी सी कटिंग लेकर कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसको भी ऐड कीजिए गार्डन में, इसको भी ज़्यादा कंपोस्टिंग की धूप की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले नंबर पे दोस्तों स्नेक प्लांट की। ये देखिए ये लॉन्ग वाला ही वैरायटी है और इसमें एक स्मॉल वैरायटी आती है, वो मेरे दूसरे बालकनी गार्डन में रखी हुई है लेकिन मैं आपको यही दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं दूर से दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है धूप पानी हवा बारिश सब में, ऐसे ही खुला आप छोड़ देंगे ना तब भी ये इसी तरह से चलता रहता है, इसको किसी भी कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो प्लांट इसको स्नेक प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए गार्डन में।
देखिए दोस्तों, अगले नंबर पे 4 o'clock या फिर संध्या मालती की बात करूंगी। इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं जो शाम को 4 बजे खिलते हैं, और ये मैंने देखिए बड़े बड़े तो सारे प्लांट निकाल दिए, लेकिन इनके बीच जहाँ भी गिर जाते हैं इस तरह से प्लांट तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने सारे प्लांट हैं और मुझे निकाल निकाल के फेंकने पड़ते हैं। और अब इसका प्लांट भी मैंने बहुत सारे अभी निकाल के फेंके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और इनको भी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। इसका फूल शाम को 4 बजे खिलता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, बहुत सारे कलर आते हैं। आप जो चाहें वो कलर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों पर्सलिन या पोर्चुलिका की। ये देखिए, ये भी मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लगा रखे हैं, पर्सलिन पोर्चुलिका। और ये भी ऐसे प्लांट हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। बस विंटर के समय पे इनकी थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन ये हमेशा चलते रहते हैं। और जैसे ही इनका सीजन आता है ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। तो इनको भी किसी भी जरूरत की है, देखिए छोटी छोटी बास्केट में, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में इस तरह से लगा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बेबी टियर की। ये देखिए इसको भी कहीं भी आप, अगर इसकी छोटी सी डंडी भी टूट के गिर जाएगी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सी डंडी भी आपके कहीं पे टूट के गिर जाती है तो वहीं पे ये प्लांट अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। और इसके लिए किसी तरह की कंपोस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इसको भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बास्केट में तो बहुत ही सुंदर लगता है, जब इसकी बास्केट फुल भर जाती है तो बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है ये। और अब हम बात करेंगे दोस्तों चेन प्लांट की। ये देखिए चेन प्लांट है, इसको मैंने कितने छोटे से डिब्बे में लगा रखा है। और ये देखिए सारी बोतलों में मेरे प्लांट चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये चेन प्लांट भी मैंने इसी तरह से लगा रखा है और इसमें छोटी छोटी चेनें निकलती हैं। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसके साथ ही ये चेन निकलती हैं छोटी छोटी, और उसके बाद जब ये लटकना शुरू कर देता है तो यह पहले छोटा होता है, उसके बाद इस तरह से इसमें ये फूल जैसा खिलने लग जाता है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए, जब इसकी चेनें लटकती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितने छोटे प्लांटर में लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ 2 इंच का प्लांटर है जिसमें मेरा ये चेन प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए, और ये चेनें लटक रही है, और इसमें आप देखिए बिल्कुल मिट्टी भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है, और ये प्लांटर भी 2 इंच का है। तो दोस्तों, दिखाने को तो मैं अभी बहुत सारे भी पौधे दिखा सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बस इतने ही 15+ मैंने प्लांट आपको दिखाए हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में और बहुत सारे प्लांट ऐसे दिखा दूँगी जो इस तरह से बहुत कम जगह पर चल सकते हैं। ये देखिए दही के डिब्बे में, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो मैं बहुत सारे प्लांट दिखा सकती हूँ, पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं कम ही दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट कीजिए अगर आपको और भी किसी तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो।